मनीष है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 18 विच इज पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग एयर और वाटर में कैसे पोल्यूशंस हो रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एयर के बारे में, फिर कुछ टॉपिक्स हम लोग वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एयर का कॉम्पोजिशन पहले हमें जानना पड़ेगा कि एयर के अंदर क्या कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन मीन्स एयर क्या कंटेन करता है अपने अंदर, है ना। तो एयर एक ही चीज़ थोड़ी ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो एयर के कॉम्पोजिशन कुछ इस टाइप के हैं। ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन नहीं है, डिटेल्ड वर्जन आप नेट से निकाल सकते हो। ठीक है, डिटेल्ड वर्जन नहीं है ये, एकदम लाइक ऊपर वाला है जिसको आप देख के समझ सकते हो कि हमारे मतलब लाइक एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में अभी मतलब लाइक लेटेस्ट अभी है क्या, मतलब कि हमें किस पर काम करना चाहिए ज़्यादा। ओके, तो हमारे एयर में नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन होता है वो एक टाइप का गैस है, तो कितना परसेंटेज है, वो 78% है। 100% में से 78% तो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, 21% ही है बस, हमारे जो एटमॉस्फेयर उसमें से 21% ही ऑक्सीजन है। ठीक है, एंड बिकॉज हम लोग ट्रीज को कट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का लेवल अभी कम होते जा रहा है, और भी ज़्यादा कम हो रहा है ना। नेक्स्ट है CO2 एंड अदर रिमेनिंग। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है CO2 एंड अदर्स, मतलब जो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी अदर गैसेज हैं वो रिमेनिंग पार्ट है। मतलब जैसे कि ये ग्रीन वाला पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये ब्लू वाला पार्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये ऑक्सीजन है। ओके, तो फिर ये हो गया, और जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग वो हमारा रेड कलर वाला पार्ट। तो रेड कलर वाला पार्ट क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड जितने भी आर्गन, मिथेन और ऐसे करके जितने भी बाकी सब गैसेस हैं वो सब हैं उसमें। ओके, तो ये हमने देखा एयर का कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है एयर पोल्यूशन होता क्या है, द करेक्ट डेफिनेशन यहाँ पे है, आप इस डेफिनेशन को लिख लो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एयर पोल्यूशन, तो पहले आप एयर पोल्यूशन को डिफाइन करोगे ना, देन ही आप आगे उसका कुछ मतलब चीज़ें एक्सप्लेन करोगे, एग्जाम्पल्स दोगे, है ना। तो एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन ये है कि व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस which have an harmful effect on both the living and the non-living, called it as air pollution. तो air pollution क्या होता है, जहाँ पे जब air contaminate हो जाते हैं, मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना water contaminate हो गया है, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा है ना, और unwanted substances जो air के अंदर होने नहीं चाहिए थे वो substances आ गए हैं, तब वो एक effect करता है living एंड नॉन लिविंग थिंग्स पर, जिसे हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे, इफेक्ट्स मीन्स आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, न्यू लाइक वायरसेस, बहुत सारी बीमारियाँ कॉज हो सकती है ना। तो ये इफेक्ट पड़ेगा लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे एंड मतलब थिंग्स पे। ओके, सो ये क्या था, एयर पोल्यूशन एंड उसका कॉम्पोजिशन। अब यहाँ पे आपको गिवन है कि when the air gets contaminated by unwanted substances, ठीक है, तो जब air unwanted substances से contaminate होता है तब air pollution होता है। तो ये जो unwanted मतलब चीज़ें होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये जो unwanted चीज substances होते हैं इन्हें हम बोलते हैं air pollutants। क्या बोलते हैं हम इन्हें बोलते हैं air pollutants। ओके, तो ये जितने भी unwanted substance होते हैं इन्हें हम एयर पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। ओके, तो ये आप लर्न कर लेना एयर पोल्यूटेंट्स का मतलब डेफिनेशन क्या होगा, द सब्सटेंस विच आर अनवांटेड, ठीक है, फॉर द एटमॉस्फेयर आर नोन एज एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स क्या हुए, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ हमारे लिए, है ना, प्लांट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है वो, तो हमारे लिए हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मिथेन, बहुत सारे जो एकदम पॉइजनस गैसेस होते हैं, हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तब वो निकलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। ओके, सो ये था एयर पोल्यूटेंट्स। अब आप लोगों को पता ही होगा अबाउट ताजमहल, है ना, सारे लोग बोलते हैं कि जो ताजमहल है और उसकी जो ब्यूटी थी, वो जो मॉन्यूमेंट पहले बना था वो अब ऐसा नहीं है जैसा पहले था, है ना। अभी अगर आप ताजमहल विजिट करने जाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि उसका जो, अगर आप पास से देखोगे उसे, है ना, दूर से देखोगे तो सुंदर दिखता है, लेकिन जब आप पास से देखोगे तो आप उसका जब सरफेस छुओगे
तो वो जो एक मार्बल से बना है एंड उसका जो मार्बल हो गया ना वो पहले एकदम वाइटिश था, एकदम जैसे सिल्वर का कलर होता है ना उसका कलर वैसा ही था, लेकिन अभी क्या हो गया ना वो एकदम येलोइश कलर बन गया, एकदम फेड होता जा रहा है, एकदम ब्राउन कलर का होता जा रहा है। अभी येलो है, बाद में ब्राउन भी हो सकता है अगर हम और पॉल्यूशन करें तो, ठीक है। तो उसका कलर येलो होता जा रहा है। अब क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सारे हैं। फर्स्ट रीज़न हमारा एसिड रेन होता है, ठीक है, उस पर अभी हम बात नहीं करते हैं, अभी हम एयर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो एयर को समझते हैं, एयर की वजह से कैसे वो ख़राब हो रहा है। एयर की वजह से वो ख़राब हो रहा है, कैसे हो रहा है कि इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है इन द एरिया सराउंडिंग ताज, ठीक है, आगरा में ताज है तो आगरा में एंड पूरे वर्ल्ड में हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, लेकिन ताजमहल आगरा में तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जिसकी वजह से द ब्यूटी ऑफ दैट एरिया और द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल हैज़ ब्रोकन अप, ठीक है। तो वो वैसा अब नहीं दिखता जैसा पहले दिखता था, ठीक है। तो हमारा जो जो हमारा ताजमहल है वो पहली बात तो एयर पोल्यूशन से हुआ है, ओके। तो दूसरी बात मैं कह रही थी हम किससे हुआ है, एसिड रेन से हुआ है, ठीक है। तो एसिड रेन वाला भी समझ लेते हैं। तो एसिड रेन मतलब एसिड रेन करोड्स मार्बल, ठीक है, इसे मैं इसको रब कर देती हूँ पहले, फिर हम इसको देखते हैं। तो जो एसिड रेन होता है वो क्या होता है, रेन होता है लेकिन उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। जब हवा के अंदर बहुत ज़्यादा पल्यूटेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं, मान लो दिस इज़ एयर, एयर के अंदर बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये एयर के ऊपर ही तो क्लाउड्स है ना, इनके ऊपर ही तो हमारे पास क्लाउड्स होते हैं। तो ये जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं दे रेज अप एंड गो इनटू द क्लाउड्स, ओके, क्लाउड्स के अंदर जाते हैं एंड ये जितने भी पॉइजनस थिंग्स होते हैं ये क्लाउड्स के अंदर जाते हैं। फिर क्या होता है जब क्लाउड्स के अंदर जाता है, तो जब क्लाउड्स के अंदर जाते हैं तो जब बारिश का मतलब लाइक रेनी सीजन होता है, तो रेनी सीजन होता है तो क्या होता है, यही क्लाउड्स के अंदर जितना भी पॉइजनस वाटर होता है ये उस एरिया में जाके रेन होता है, ठीक है। वही जितना पॉइजनस वाटर है वो उस एरिया में जाके रेनफॉल होगा उसी पॉइजनस वाटर का, तो क्या होगा, तो ये होता है कि जो एसिड रेन का जो वाटर होता है ना वो क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा करोसिव इन नेचर होता है। करोसिव मतलब जैसे कि हमारा ताजमहल है, मैं जस्ट नॉर्मल ड्राइंग बना रही हूँ, ओके, नॉट दैट सीरियस, बस ऐसे समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो अब मान लो दिस इज़ द ताजमहल, ओके, तो ताजमहल में मतलब जो हमारे पास मैंने बोला ना कि करोसिव होता है, मतलब जो पानी होता है, तो वो इतना करोसिव होता है कि जो उसका मार्बल से बना होता है ना ताजमहल, तो इतना करोसिव होता है कि जो उसका मार्बल होता है ना हमारे ताजमहल का जो मार्बल मार्बल से बना हुआ है, वो उस मार्बल को क्या करता है, एकदम जैसे अगर हमारे बॉडी पे एसिड गिरेगा, एसिड होगा, एसिड हमारे बॉडी पे गिरा तो वो क्या होगा, जलना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही जब एसिड रेन का वाटर ताजमहल पे गिरता है तो वो भी वो करोड़ होना स्टार्ट हो जाता है, करोसिव होता है ना एसिड रेन का पानी, तो वो करोशन उसका स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता आता है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा येलोइश हो रहा है। और ये जो फिनोमेना हो रहा है ना, जिसकी वजह से मतलब लाइक जो ये फिनोमिनन हो रहा है जिसकी वजह से हमारा ताजमहल एसिड रेन की वजह से इतना येलोइश हो रहा है, उस फिनोमिना मतलब उस जो चीज़ हो रहा है प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्बल कैंसर, ठीक है। ये जो प्रोसेस जिसके वजह से हमारा हमारा जो ताजमहल है वो इतना ख़राब हो रहा है, वो मार्बल कैंसर की वजह से ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, एसिड रेन होता है, एसिड रेन बहुत ज़्यादा करोसिव होता है, जब वो हमारे ताजमहल पे गिरता है तो ताजमहल भी एसिड जैसे हमारे हाथ पे जलता है वैसे ही वो मार्बल्स को जलाने लगता है, क्योंकि मार्बल से बना है ताजमहल। तो ये जो फिनोमेना, ये जो प्रोसेस होता है एसिड रेन का, उसे हम बोलते हैं मार्बल कैंसर, ठीक है। जो हमारे हमारे ताजमहल पे हो रहा है ये फिनोमेना, इसे हम मार्बल कैंसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या देखा, ये हमने देख लिया थोड़ा एयर पोल्यूशन, उसके कॉम्पोजिशंस देख लिए, ओके, एंड थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया अबाउट ताजमहल। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर एयर पोल्यूशन टॉपिक, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, विच इज ग्रीन हाउस इफेक्ट।
तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट ये इफेक्ट होता है, इसमें ग्रीन हाउस का कोई रोल नहीं है, लेकिन बस इसके एग्जाम्पल से हमें एक फिनोमिना, एक चीज़ के प्रोसेस के बारे में समझाया गया है। तो लेट्स सी द प्रोसेस। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, लेट्स सपोज कि हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे सन है, दिस इज आर सन। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो सन होता है, जो हमारे यहाँ पे क्या है, अर्थ है। ओके, तो दिस इज आर अर्थ। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनरी अर्थ जैसा बना देती हूँ। ओके, सो दिस इज आर अर्थ। ओके, तो आप लोगों को पता ही है कि जो हमारा सन होता है उसके अंदर से क्या होता है, उसके अंदर से बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशन भी अर्थ के ऊपर आते हैं, है ना। एंड आपको ये भी पता होगा कि अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट है जिसे हम बोलते हैं व्हाट, ओजोन लेयर। व्हाट, क्या बोलते हैं इसे हम, ओजोन लेयर। तो ये हमारे हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, लेकिन ये भी कब तक हमें बचाएगा, है ना। कभी ना कभार तो एक दो रेडिएशन तो घुस ही जाते होंगे हमारे अर्थ के अंदर। और जब ये कुछ कुछ रेडिएशन, कुछ पार्ट ऑफ हार्मफुल रेडिएशन घुस जाते हैं अर्थ के अंदर, तो ये निकल नहीं पाते हैं हमारे अर्थ के बाहर। तो इसी का एग्जाम्पल लेके, जैसे कि मैंने बोला ना कि रेडिएशन कुछ कुछ सन से आते हैं और वो हमारे अर्थ के अंदर घुस जाते हैं किसी ना किसी प्रकार से, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। सेम यही चीज़ होता है हमारे ग्रीन हाउस के अंदर। ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस एक छोटा सा घर होता है जिसके अंदर ऊपर से इसका जो रूफ होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। एक घर होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को पॉट्स के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। अलग अलग स्पीशीज ऑफ प्लांट को स्टोर करके रखा जाता है। तो ग्रीन हाउस तो आप लोगों को पता होगा, तो ऐसे ही बहुत सारे से प्लांट्स को स्टोर करके रखा जाता है। तो सेम यही थिंग होता है हमारे ग्रीन हाउस के अंदर, ठीक है। तो ग्रीन हाउस के अंदर भी क्या होता है ना, जब ग्रीन हाउस के अंदर भी सेम थिंग होता है, बाहर का जितना भी रेडिएशन होगा वो इसके अंदर तो घुस जाता है, लेकिन ये इसके अंदर घुसने के बाद बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके वजह से ये होता है कि जो ग्रीन हाउस होता है ये कभी कभार बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। सेल्फ एकदम गर्म हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते कि कैसे गर्म होता है, ये हमारे रेडिएशन की वजह से गर्म होता है। आप यहाँ इन दोनों, ये दोनों सिमिलर चीज़ें ही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सन के रेडिएशन है वो अर्थ के अंदर आ रहे हैं और ये अर्थ से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से ये अर्थ में ही रहकर अर्थ को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, है ना, एंड एयर का पोल्यूशन और बढ़ा देते हैं, ठीक है। और सेम ग्रीन हाउस के अंदर होता है, ग्रीन हाउस के अंदर भी जब हार्मफुल रेडिएशन घुस जाते हैं तो उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपने देखा होगा ग्रीन हाउस एक कॉम्पैक्ट रूम होता है, बड़े बड़े हॉल, एकदम ऑडिटोरियम जैसे कॉम्पैक्ट रूम्स होते हैं, जो ऊपर से उसका रूफ एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। वो इसीलिए बना होता है कि सिर्फ सनलाइट अंदर घुस पाए और वो बाहर ना निकल पाए, ताकि अच्छे से अंदर के प्लांट्स को एकदम मिनिमल अमाउंट में हीट मिलता रहे। तो यही होता है कि रेडिएशन अंदर घुस जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से वो अंदर के एरिया को गर्म करता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल गिवन है यहाँ पे ग्रीन हाउस का। तो ये जो फिनोमिनन होता है जिसमें सन के रेडिएशन अर्थ के अंदर चले जाते हैं, अर्थ को गर्म करते हैं, लेकिन वो अर्थ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसी रेडिएशन और इसी जो फिनोमिना है, इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस का बस यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इस इफेक्ट को, ये जो हमारे अर्थ के साथ हो रहा है इसे हमने ग्रीन हाउस से रिलेट करके बस समझा है। ओके, ग्रीन हाउस के साथ भी सेम यही थिंग होती है। तो बस यहाँ पे ग्रीन हाउस का इफेक्ट या फिर इसका एग्जांपल लेके हमने यहाँ पे अर्थ के ऊपर से रिलाई करके समझा है। ओके, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी सिर्फ यही होता है, हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे चीज़ों को फैलाता है। तो ये कौन कौन से रेडिएशन होते हैं जो हमारे अर्थ के अंदर घुस जाते हैं, कौन कौन से पॉइजनस रेडिएशन होते हैं? तो ये हो सकते हैं पॉइजनस रेडिएशन, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, और ये जितने भी पॉइजनस रेडिएशन्स होते हैं ना, या फिर गैसेस होते हैं जो आउटर स्पेस से हमारे अर्थ के अंदर घुसते हैं, इन सारे रेडिएशन या फिर गैसेस को हम क्या बोलते हैं, इन सारे गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस के अंदर के गैस नहीं, बस ग्रीन हाउस एक एग्जांपल है, ठीक है। जो सन से रेडिएशन आते हैं उन्हीं सारे रेडिएशन को हम ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं। ओके,
तो ये हमने देख लिया। अभी कौन कौन से रेडिएशन मतलब कौन कौन से गैसेस होते हैं, मेनली आपके टेक्स्ट बुक में तो बस कुछ ही नाम दिए हुए हैं, जैसे कि मीथेन, आर्गन, और ये सब ज़्यादा क्वान्टिटी में हमारे अर्थ पर आते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और ये हमारे अर्थ को गर्म करता है, जैसे कि मैंने बोला था रेडिएशन अंदर घुस जाता है, बाहर नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा बढ़ता है। ओके, एंड आगे चल के हमारे ओजोन लेयर भी, आप लोगों को पता है हमारे ओजोन लेयर के अंदर बहुत सारे होल्स होते जा रहे हैं, जैसे कि ये ब्लैंकेट है, ये ब्लैंकेट फटता जा रहा है, जिसकी वजह से और ज़्यादा रेडिएशन्स आ रहे हैं एंड ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रीज़ को ही नहीं काटना चाहिए, सब सारी चीज़ों की मतलब जो होता है ना रूट, जड़ होती है ट्रीज़ ही, ट्रीज़ को आप नहीं काटोगे तो कुछ भी नहीं होगा इनमें से। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या कंप्लीट कर लिया, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया अबाउट एयर पोल्यूशन। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑल अबाउट वाटर पोल्यूशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वाटर पोल्यूशन। ठीक है, सो वाटर पोल्यूशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वाटर पोल्यूशन का लाइक वाटर पोल्यूशन नहीं, वाटर का जो वाटर कंटेन करता है उसके ऊपर एक जैसे पाई चार्ट है, जैसे हमने एयर का देखा था। ठीक है, सो इसमें क्या है, इसमें जो 97% है वो क्या है, यहाँ पे जो 97% है ये है हमारा सेलाइन वाटर। ठीक है, सेलाइन वाटर क्या होता है, सेलाइन मींस सॉल्टी, सॉल्टी वाटर। ओके, सॉल्टी वाटर जो होता है वो हमारा है 97%। अब सॉल्टी वाटर क्या हुआ, सॉल्टी वाटर मींस जितने भी ओशंस सीज होते हैं उन सब में जितना भी पानी है वो सारे, इतना ज़्यादा पानी आप लोगों को पता ही हमारे अर्थ में, लेकिन 97% तो हम पी ही नहीं सकते हैं, वो सारा सॉल्टी वाटर होता है। ओके, पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जितना भी पानी है सब हम पी ही नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये जो रेड कलर में आप लोगों को दिख रहा है, दैट इज 2.6%। ये 2.6% क्या है, ये जो 2.6% है ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं समथिंग लाइक फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर, ये पीने वाला पानी नहीं है लेकिन फ्रेश वाटर है। ओके, इसको हम बोल सकते हैं फ्रेश वाटर। ठीक है, जो रेड कलर वाला है, मैं रेड कलर से इसको डॉट बना देती हूँ, रेड कलर वाला हमारा फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मींस इसको आप दूसरे कामों के लिए यूज़ कर सकते हो, पीने के लिए ये वाला पानी भी अभी नहीं है आपके लिए। ओके, तो दूसरे कामों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ग्रीन वाला सेलाइन वाटर। नेक्स्ट है मेरे पास जो आपको ब्लू कलर का एकदम छोटा सा पार्ट दिख रहा है, दैट इज आवर ड्रिंकिंग वाटर। ओके, तो इतने ही पानी को बस हम लोग पी सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा ड्रिंकिंग वाटर, तो कितना ड्रिंकिंग वाटर है, 0.06%। ओके, तो 0.06% है जिसको हम बस पी सकते हैं, इतना पानी है। दिस द कॉम्पोजिशन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। ओके, तो ये हमने कॉम्पोजिशन देख लिया, अब बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन का यहाँ पे जैसे हमने एयर पोल्यूशन में किसका एग्जांपल लिया था, हमने एयर पोल्यूशन में एग्जांपल लिया था समथिंग अबाउट, हमने लिया था एयर पोल्यूशन में ताजमहल का। वाटर पोल्यूशन में क्या लेंगे, वाटर पोल्यूशन में हमारा जो गंगा रिवर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो गंगा रिवर से एक और हमारे पास चीज़ आती है, इसी चीज़ पे रिलेटेड हमारे पास आती है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो जो सब्सटेंसेस एयर को पल्यूट करते हैं उन्हें हम एयर पल्यूटेंट्स बोलते हैं, और जो जो सब्सटेंस वाटर के पल्यूट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, जितने भी सब्सटेंस हमारे वाटर का पोल्यूट करेंगे वो हमारे क्या बन जाते हैं, वाटर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेंस हो जाएगा वाटर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो ये जितने भी चीज़ें होते हैं ये हमारे वाटर को पल्यूट करते हैं। ओके, वाटर पोल्यूटेंट्स जो सब्सटेंस है जैसे जो वाटर को पल्यूट करते हैं उन्हें हम वाटर पोल्यूटेंट्स बोलते हैं, और जो सब्सटेंस हमारे एयर को पल्यूट करते हैं उन्हें हम एयर पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। ओके, तो ये दोनों हो गए, अब हम लोग केस स्टडी करेंगे गंगा की। ठीक है, तो गंगा मतलब गंगा की एग्जाम्पल लेके हम वाटर पोल्यूशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो मैं इस चीज़ का यहाँ पे रब कर देती हूँ। ओके,
तो अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि गंगा है क्या। गंगा हमारा जो यूपी होता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे आपको इसका स्ट्रेच दिखेगा। स्ट्रेच मतलब वहाँ पे आपको एरिया में इसकी छोटी छोटी पार्ट्स दिखेंगे। ओके, तो अब एक हमारे पास जैसे कि बोलते हैं ना, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, WWF ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या बोला था, जिसने बोला था वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन फंड ऑफ नेचर। इसने बोला था कि हमारा जो गंगा है इंडिया का, ये क्या है, वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। ये किस में आता है, वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड, मतलब जो एकदम लाइक ख़त्म ही होने वाले हैं, एकदम पल्यूट हो गए, एकदम ख़राब हो गए हैं, उस टाइप के रिवर्स में आता है गंगा। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये पहले कहा था, जो मैनी मैनी ईयर्स पहले कहा था। ओके, मैनी ईयर्स मतलब इतना भी नहीं बराबर कह सकते, मतलब 10 to 15 ईयर्स पहले कहा था। ओके, तो ये हमारे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने कहा था, ओके, कि गंगा जो हमारा है रिवर, वो किस में आता है, 10 मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर्स में से आता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस प्लान किया, मतलब गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस प्लान किया टू सेव द रिवर कॉल्ड एट गंगा। ठीक है, तो गंगा को सेव करने के लिए उन्होंने एक एक्शन प्लान बनाया। ठीक है, तो उसका नाम क्या रखा, उसका नाम रखा गंगा एक्शन प्लान। उन्होंने एक लाइक मतलब गवर्नमेंट को भी तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ना, तो उन्होंने गंगा को सेव करने के लिए गंगा एक्शन प्लान नाम का कुछ एक चीज़ या फिर एक एम्बिशन क्रिएट किया। और उन्होंने कब ये लॉन्च किया था, इनको लॉन्च किया था 1985 में। तो ये इन 1985 में लॉन्च किया था गंगा एक्शन प्लान। किसके लिए लॉन्च किया था, ताकि गंगा को हम लोग सेव कर सके। ठीक है, एक एक्शन लिया था उसके, गंगा के मतलब टूवर्ड्स लिया था, उस रिवर के टूवर्ड्स, जब ये हमारा एक वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर ने बताया था। ठीक है, फिर लेकिन पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश वो इंक्रीज़ होता रहा, जिसके वजह से क्या हुआ, फिर से ये जो प्लान था ये भी फिर ख़राब हो गया, इतने ज़्यादा लोग हो गए जो लोग गंगा को और ख़राब करते रहे। ठीक है, फिर ये वाला प्लान जो 1985 में उठाया गया था ये भी ख़त्म होता चला गया। फिर से उठाया गया था इन 2016 में एक और प्लान उठाया गया था, जिसका नाम था नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा। इस मिशन का नाम क्या था, नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा। ये प्लान उठाया गया था 2016 में उठाया गया था। ठीक है, तो फिर ये गवर्नमेंट ने उस समय इनिशिएटिव लिया था, इंडियन गवर्नमेंट ने, और लॉन्च किया था इसे 2016 में, लॉन्च किया था गंगा को क्लीन करने का नेशनल मिशन। ओके, तो ये इन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया था इस एक्शन प्लान में, ज़्यादा काम हुआ था सेकंड एक्शन प्लान में हुआ था, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे जो उत्तर प्रदेश है वहाँ का जो एक स्टेट है दैट इज़ नोन एज कानपुर। ठीक है, तो कानपुर तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो यूपी में एक मतलब थोड़ा सा एरिया है जिसे हम कानपुर बोलते हैं, तो कानपुर में भी जो गंगा है उसका थोड़ा सा स्ट्रेच वहाँ पे भी दिखाई देता है। स्ट्रेच मतलब गंगा का थोड़ा पार्ट वहाँ पे भी दिखाई देता है, यहाँ वहाँ से भी फ्लो करता है गंगा का थोड़ा पार्ट। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ पर डोमेस्टिक काम करते हैं, मतलब उसके अंदर भी बहुत सारे अपने चीज़ों को फेंकते हैं उस गंगा के वाटर में जहाँ से उनका स्ट्रेच होता है। तो कानपुर में जो गंगा है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा उस एरिया में बहुत ही ज़्यादा, पहली बात तो पॉपुलेटेड है, एंड दूसरी चीज़ कि ये जो गंगा रिवर है उन लोगों ने उसे पल्यूटेड भी कर दिया है, इतने सारे पॉपुलेशन भी है और उन लोगों ने उसे पल्यूटेड भी कर दिया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ऑलमोस्ट लाइक हमारा जो वाटर पोल्यूशन वाला टॉपिक है बस ख़त्म होने वाला है। ओके, एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, हमारे जो वर्ल्ड में
25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर. जो 25% है हमारे वर्ल्ड का, वो क्या पी रहा है? अभी भी खराब पानी पी रहा है. उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो लोग खराब पानी पी रहे हैं. ठीक है, तो 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन ये हमने देखा. नेक्स्ट है, वॉट इज पोटेबल वाटर. पोटेबल वाटर का भी आपके टेक्स्ट बुक में है, मतलब क्वेश्चन भी आ सकता है आपका 1 मार्क्स का, ठीक है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है. वॉट इज पोटेबल वाटर? पोटेबल वाटर मतलब कुछ नहीं, वाटर विच इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर. तो ऐसा वाटर जो पीने के लिए सुरक्षित हो, उसी टाइप के वाटर को हम पोटेबल वाटर बोलते हैं. तो दिस इज द डेफिनेशन. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट हमारे चैप्टर का आता है कि आपको अपने फिल्टर्स में या फिर आप पानी आप रखते हो अपने घर में, तो उसमें आपको क्या करना नहीं चाहिए, उसके अंदर आपको ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन टैबलेट्स को नहीं डालना चाहिए. क्लोरीन टैबलेट्स अगर आप डालोगे तो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है. ठीक है, तो आपको क्लोरीन टैबलेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है अपने वाटर के अंदर, हो कि जानबूझ के आपको नहीं डालना है, जब तक एडवाइजेबल ना हो आपके एरिया के लाइक हेड से. अगर आपके एरिया के हेड बोलते हैं कि इतना पोल्यूटेड वाटर आ रहा है कि आपको क्लोरीन टैबलेट्स डालना पड़ेगा, तब आप डालिए. ठीक है, तब आपको कोई नहीं मना कर रहा. लेकिन फिर अगर आप बिना वजह के खुद के मतलब से अगर आप डाल रहे हो क्लोरीन वाटर पानी को और भी ज़्यादा साफ साफ बनाने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है, आपको नहीं करना चाहिए. तो यहीं पर हमारे जो 18th चैप्टर है, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर इंट्रोडक्शन पार्ट, ख़त्म होता है. तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म होता है. एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए.